और मैं तो हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा जहाँ से इसकी शुरुआत हुई। पहले हम लोकसभा के चुनाव जीते, उपचुनाव जीते, 3 विधानसभा के चुनाव जीते, फिर सरकार प्रदेश में कांग्रेस की बनी, अभी नगर निगम हम प्रदेश में जीते, हैट्रिक हमने यहाँ पे जीत की प्रदेश के अंदर जो है वो लगाई है, और यही संदेश पूरे देश के अंदर गया है। एक नई संचार की, एक नई जो है इसकी क्रांति पूरे प्रदेश के अंदर फैली है, और हमें पूरा विश्वास है कि कल जो हमारा दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक कर्नाटक जो है हम कल जीतेंगे, और आने वाले समय में ये एक नई जो है वो रूपरेखा पूरे प्रदेश में विपक्षी दलों की ऑपोजिशन की यूनिटी के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा, और 2024 के विधानसभा लोकसभा के चुनावों में भी एक निर्णायक भूमिका आने वाले समय में निभाएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर शानदार अपनी ओर से कैंपेन किया है, लोगों का उत्साह देखने को मिला है, मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर कर्नाटक में बनेगी और वहाँ के राज्य का विकास करेगी। अगर आप पिछले कुछ वर्षों में देखें तो कर्नाटक में देश की सबसे ज़्यादा FDI आने का काम हुआ है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगने का काम हुआ, रोजगार उत्पन्न का काम हुआ है। ये अपने आप में दिखाता है कि संभावनाएं कर्नाटक में बहुत फैली हुई, विकास भी हुआ, और चुनाव के नतीजों के बाद भी जब एक बार फिर मौका मिलेगा तो इस राज्य को और आगे ले जाने का काम करेंगे। आप एक डांसर हैं? क्या आपका सपना है एक डांस चैंपियन बनने का? तो हो जाइए तैयार, लाइफ टाइम TV लेकर आ रहा है आपके लिए हिमाचल का सबसे बड़ा डांस शो, HDC हिमाचल डांस चैंपियनशिप। हिमाचल के डांस आर्टिस्ट को डांस चैंपियन बनने का सुनहरा मौका, तो हो जाइए तैयार। हम आ रहे हैं आपके शहर, आपके गांव और आपके कस्बे में हिमाचल का पहला डांस चैंपियन ढूंढने। आप एक डांसर हैं? क्या आपका सपना है एक डांस चैंपियन बनने का? तो हो जाइए तैयार, लाइफ टाइम TV लेकर आ रहा है आपके लिए हिमाचल का सबसे बड़ा डांस शो, HDC हिमाचल डांस चैंपियनशिप। हिमाचल के डांस आर्टिस्ट को डांस चैंपियन बनने का सुनहरा मौका, तो हो जाइए तैयार। हम आ रहे हैं आपके शहर, आपके गांव और आपके कस्बे में हिमाचल का पहला डांस चैंपियन ढूंढने। और मैं तो हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा जहाँ से इसकी शुरुआत हुई। पहले हम लोकसभा के चुनाव जीते, उपचुनाव जीते, 3 विधानसभा के चुनाव जीते, फिर सरकार प्रदेश में कांग्रेस की बनी, अभी नगर निगम हम प्रदेश में जीते, हैट्रिक हमने यहाँ पे जीत की प्रदेश के अंदर जो है वो लगाई है, और यही संदेश पूरे देश के अंदर गया है। एक नई संचार की, एक नई जो है इसकी क्रांति पूरे प्रदेश के अंदर फैली है, और हमें पूरा विश्वास है कि कल जो हमारा दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक कर्नाटक जो है हम कल जीतेंगे, और आने वाले समय में ये एक नई जो है वो रूपरेखा पूरे प्रदेश में विपक्षी दलों की ऑपोजिशन की यूनिटी के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा, और 2024 के विधानसभा लोकसभा के चुनावों में भी एक निर्णायक भूमिका आने वाले समय में निभाएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर शानदार अपनी ओर से कैंपेन किया है, लोगों का उत्साह देखने को मिला है, मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर कर्नाटक में बनेगी और वहाँ के राज्य का विकास करेगी। अगर आप पिछले कुछ वर्षों में देखें तो कर्नाटक में देश की सबसे ज़्यादा FDI आने का काम हुआ है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगने का काम हुआ, रोजगार उत्पन्न का काम हुआ है। ये अपने आप में दिखाता है कि संभावनाएँ कर्नाटक में बहुत फैली हुई, विकास भी हुआ, और चुनाव के नतीजों के बाद भी जब एक बार फिर मौका मिलेगा तो इस राज्य को और आगे ले जाने का काम करेंगे।